गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज मैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर है वो बोर्ड पे बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर इसका भार कितना होगा ज्ञात करें। यहाँ पे M जो है ये दे रखा है 20 किलोग्राम kg। सबसे पहले हम पृथ्वी पे बात करते हैं, उसके बाद हम चंद्रमा की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी वस्तु का जो भार है वो उसके द्वारा लगने वाले बल के बराबर होता है और बल बराबर होता है mg। यहाँ पे M द्रव्यमान है और G है गुरुत्वीय त्वरण, तो हम सीधा लिख सकते हैं W बराबर mg। भार, किसी भी वस्तु का अगर हमें भार ज्ञात करना हो तो उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण हम उन दोनों को गुणा कर देंगे, वो उस वस्तु का भार होगा। लेकिन अगर वस्तु पृथ्वी पे है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आएगा और अगर वस्तु चंद्रमा पर है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी पर वस्तु के भार की। तो पृथ्वी पर वस्तु के भार की बात करते हैं, W का मतलब होता है वेट यानी भार, E लिखा है यानी ये भार है पृथ्वी पर अर्थ पर, M की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और G पृथ्वी का मान मैंने आपको पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मैंने आपको पहले भी बताया था 9.8 m/s² होता है, लेकिन हम उसको जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको 10 मान सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 10। तो इसमें आंसर आ गया 200। यहाँ पे जो भार होता है, क्योंकि ये लगने वाला बल ही होता है और बल को मापा जाता है न्यूटन में, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु है इसका 20 किलोग्राम द्रव्यमान है तो पृथ्वी पर इसका भार होगा 200 न्यूटन। चंद्रमा पर हम इसकी भार की बात करें तो M तो उतना ही रहेगा, द्रव्यमान तो उतना ही है, लेकिन G की जो वैल्यू है, अब हम बात कर रहे हैं W m, W का मतलब वेट एंड M का मतलब मून वेट। अब देखो ये M कितना है 20, लेकिन यहाँ पे G की वैल्यू है चंद्रमा पर वो होती है 1.61। अगर आप 20 को 1.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो जो भी वैल्यू आती है वो आपकी होगी मून पर वहाँ के मास की। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसको पॉइंट को हमने हटा दिया और यहाँ पे आ गया 100, ये पॉइंट यहाँ से हट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब अगर हम 161 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, आपका आंसर आएगा 2 2 3, यानी 32.2 आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लगा देंगे न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आ गया चंद्रमा पर उस वस्तु का भार, पृथ्वी पर इसका भार है 200 न्यूटन और चंद्रमा पर इसका भार है 32.2 न्यूटन। चंद्रमा पर भार कम है क्योंकि यहाँ पे जी का मान कम है, पृथ्वी पर भार ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है। तो ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम गुरुत्वीय त्वरण के अगर फॉर्मूले की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण के अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो देखें, इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर गुरुत्वीय नियतांक वस्तु का द्रव्यमान जो भी वस्तु है बटे उसकी त्रिज्या का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं तो जी की वैल्यू चाहे कहीं पे भी आओ, ये सार्वत्रिक नियतांक है, कहीं पे भी चले जाओ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, कहीं पे भी चले जाओ उसका मान उतना ही रहता है। ये होगा 6.67 × 10⁻¹¹। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁴४, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या आपकी आएगी 6.4 × 10⁶। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं, इनको अगर हम सरल करते हैं तो आंसर आता है 9.8, क्योंकि हमने यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण निकाला है तो यह आ जाएगा, त्वरण का मात्रक होता है m/s². तो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के लिए वो 9.8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे इनको भी बताना है जीम का मतलब गुरुत्वीय त्वरण,
और कैपिटल जी का मतलब गुरुत्वीय नियतांक, एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, आर का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग है, तो यहाँ पे हम इसमें वर्ग लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.8। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोई वस्तु है उसका भार 60 न्यूटन है, एक वस्तु है उसका वेट है 60 न्यूटन पृथ्वी के ऊपर, एक वस्तु है जिसका भार 60 न्यूटन है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, चंद्रमा पे आपको भार ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पृथ्वी पर किसी वस्तु का जितना भार होता है चंद्रमा पे उससे कम होगा, और कम करने के लिए आप भाग देंगे कितने का, 6 का। पृथ्वी पे किसी वस्तु का जितना भार होता है उसका छठा हिस्सा होता है चंद्रमा पर, यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर होगा 1 न्यूटन, पृथ्वी पर है 12 न्यूटन तो चंद्रमा पर होगा 2 न्यूटन। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर जितना होता है उसका छठा हिस्सा होता है चंद्रमा पर। तो जब भी आपको कभी भी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार दे रखा हो और चंद्रमा पे पूछे तो उसमें आप 6 का भाग दे देंगे, और अगर चंद्रमा पे दिया हुआ हो और फिर पृथ्वी पर पूछे, क्योंकि पृथ्वी पे 6 गुना होता है, पृथ्वी बड़ी है इसलिए यहाँ पे भार भी ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 6 गुना, जो वैल्यू है उसको 6 से गुणा कर दो वो पृथ्वी पे होगा, और पृथ्वी पे जो भार है उसका 6 का भाग दे दो वो चंद्रमा पर होगा। तो यहाँ पे 60 न्यूटन भार दे रखा है पृथ्वी पर और पूछा है चंद्रमा पर, क्योंकि हमें पता है वेट की अगर हम बात करें, भार की हम बात करें कहाँ पे, चंद्रमा पर। तो ये हो जाएगा किसी वस्तु का भार जो पृथ्वी पर है उसका छठा हिस्सा होता है चंद्रमा पर, और अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम भार की बात करें पृथ्वी पर भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर जो भार है, W का मतलब वेट, E का मतलब अर्थ और M का मतलब मून, चंद्रमा का जो भार है उसको 6 से गुणा कर दो वो हो जाएगा पृथ्वी पर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किसी वस्तु का भार है 60 न्यूटन, चंद्रमा पर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 60/6, आंसर आएगा 10 न्यूटन। अगर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर ये 6 न्यूटन होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु है इसका भार है 100 न्यूटन, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, चंद्रमा पे दे रखा है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 100 न्यूटन है, पृथ्वी पे कितना होगा, चंद्रमा पर 100 है तो पृथ्वी पर तो इसका 6 गुना होगा। तो पृथ्वी पर भार WE, हम W का मतलब वे, E का मतलब अर्थ, चंद्रमा पे कितना है 100, तो 100 का हो जाएगा 6 गुना, या जाएगा 600 न्यूटन। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 100 न्यूटन है तो पृथ्वी पर हो जाएगा 600 न्यूटन। और अगर यहाँ पे पृथ्वी पर दे दिया कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पे कितना होगा, इसको अंदर 6 का भाग दे दो, या जाएगा 100 न्यूटन। तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है, और अगर चैप्टर 10 में किसी भी टॉपिक में आपको या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।